दोस्तों हाल ही में एप्पल ने सबसे सस्ता M2 वाले मैक मिनी लॉन्च किया है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किन लोगों को ये मैक मिनी खरीदना चाहिए। 3 महीनों में इसको इस्तेमाल किया और एक रिसर्च किया, उसमें मैं आज रिकमेंड करने वाला हूं कि किन 7 व्यक्तियों को ये मैक मिनी M2 खरीदना चाहिए, उन्हें लेना चाहिए। दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो है नॉन गेमर्स के लिए। दोस्तों अगर आप एक नॉन गेमर्स हैं, एक आप ऐसे यूजर हैं जिनको गेम खेलने से कोई मतलब नहीं है, बस एक ऑफिशियल काम करना चाहते हैं अपना, और भी कई ऐसे काम हैं लेकिन आप गेम खेलना नहीं पसंद करते हैं, तो आपके लिए ही ये पीसी बना है। और ये बहुत ही शक्तिशाली M2 चिप के साथ आता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें गेम नहीं खेल सकते हैं, इसमें आप हल्के फुल्के गेम्स भी खेल सकते हैं। घर के जो बच्चे हैं वो भी गेम्स इसमें खेल सकते हैं, चला सकते हैं। मैं भी यूज करता हूँ हल्के फुल्के गेम्स, लेकिन ये हार्ड कोर गेमर्स के लिए नहीं है। ये जो मैक मिनी M2 है आप ही के लिए है। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो वो है एवरीडे यूजर। मूवीज देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, थोड़े बहुत वीडियो एडिटिंग भी कर लेते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ऑफिशियल वर्क भी कर लेते हैं, फोटोशॉप चलाते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, इन सब कामों के लिए ये बहुत ही शानदार है M2 वाले मैक मिनी। और ये बिल्कुल सफिशियंट है। इसमें जो M2 चिप लगी हुई है एप्पल की सिलिकन, वो बहुत ही पावरफुल है। और इसका फुल रिव्यू वीडियो में बना दिया हूँ और मैक के बारे में बहुत सारा वीडियो में बनाया है यूट्यूब चैनल पर। इसका एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा आई बटन में, आप जाकर के वहाँ चेकआउट कीजिए। तो आप एवरीडे यूजर हैं जिनको ज्यादा तामझाम से मतलब नहीं है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर नेक्स्ट यूजर्स की बात करें, अगर आप नॉइज हेटर्स हैं, भारी भरकम पीसीज होते हैं वो बहुत आवाज करते हैं, लेकिन आप एक ऐसा पीसी चाहते हैं जो बिल्कुल साइलेंट रहे, तो उस कैटेगरी में ये M2 चिप वाला मैक मिनी बिल्कुल आता है। क्योंकि ये जो मैक मिनी है ये बिल्कुल आवाज नहीं करता है और इसके जो फैन चलते हैं वो भी बिल्कुल साइलेंट रहते हैं और ये इसको कूल भी करता है। आप नॉइज हेटर हैं तो आपके लिए ही ये बना है, क्योंकि ये बिल्कुल आवाज नहीं करता है और बिल्कुल स्मूथली चलता है। आप घंटों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ये थकेगा ही नहीं। और दोस्तों अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो सबका चहेता है दोस्तों, वो है मूवी वॉचर। अगर आप ऐसे यूजर हैं जो मूवी वॉच करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, एक से अधिक मूवीज देखना चाहते हैं, मतलब कि 2 लोग बैठ करके देखना चाहते हैं, और इसमें एक खास फीचर्स दिया गया है, 2 ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और 2 लोग आप अपने कान में लगा करके वेब सीरीज और मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं। ये है ना बिल्कुल नई बात, तो यही चीज मैक मिनी को बिल्कुल अलग कर देती है। तो आप इसमें HDR10+6K तक डिस्प्ले लगा सकते हैं, स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। आप जब इसको डिस्प्ले में कनेक्ट कीजिएगा, 4K ही डिस्प्ले जब कनेक्ट कीजिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। मुझे जब टीवी देखना होता है या मूवीज देखना होता है तो इसको मैं अपना जो MI का टीवी है 4K डिस्प्ले वाला, उसमें मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और बिल्कुल ऑसम लेवल का एक्सपीरियंस देता है दोस्तों। तो अगर आप ऐसे यूजर्स हैं जो बिल्कुल इंटरटेनमेंट के पर्पस से देखना चाहते हैं, बिल्कुल कोई लैग्स वगैरह नहीं और सब फॉर्मेट वीडियो का ये सपोर्ट करता है, इसकी यही खासियत है। और एप्लीकेशन तो भर भर के दिया है, आप जो मन चाहे इसको इंस्टॉल कर सके, तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी आती है ड्यूल बिल्डर का। ये कैटेगरी दोस्तों ऐसे लोगों के लिए है जो अपने घर में एक बहुत ही शक्तिशाली पीसी तो बना करके रखे हैं, जिसमें आप गेमिंग पीसी या कुछ भी ऐसे ले लें जो कि पावरफुल, वो अपने सिंगल हैंडेड के लिए रखे हैं, लेकिन घर में और भी मेंबर्स हैं, उनके लिए आप एक पीसी देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल अच्छा है। घर के सारे बेसिक आपको काम ये करके देगा और छोटे मोटे वर्क जितने भी है, बहुत सारे बच्चे एक साथ जो भी उनका होमवर्क है, वीडियो कॉलिंग, जूम मीटिंग, सब कुछ करके देगा बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल स्मूथ। खास बात है कि ये बजट में है। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है बेस्ट वैल्यू पीसी। दोस्तों इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग वीडियोस बना चुके हैं, आपको यूट्यूब पर भर भर के वीडियोस मिलेंगे कि ये जो पीसी है M2 मैक मिनी, जो कि बेस वेरिएंट है 8 GB और 256 GB वाला, पॉकेट फ्रेंडली है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए आपको डिस्काउंट्स आपको 10,000 का देखने को मिलेगा, यानी कि 50,000 में ये आपको मिल जाएगा। और इसकी जो परफॉर्मेंस है टॉप नोच का है, इस पर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं आई बटन या आप डिस्क्रिप्शन, वहां आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी पीसी देख रहे हैं तो इससे बेटर ऑप्शन मुझे नहीं दिखता है। अगर इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों लाइक जरूर वीडियो को कर दीजिएगा, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत कह चुका हूं, आपको मन होगा करिएगा ही। तो दोस्तों अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। दोस्तों अगर लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं वो है स्पेस लेकर। अगर आपके घर में आपके कंप्यूटर टेबल पर बहुत कम ही स्पेस बचा है तो उसके लिए ये बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। और इसके दोस्तों अगर डायमेंशंस की बात कर लिया जाए तो इसकी हाइट है 1.4 इंचेस, इसकी विड्थ है 7.75 इंचेस और डेप्थ भी दोस्तों उसका इतना ही है 7.75 इंचेस। और अगर इसकी वजन की बात करें दोस्तों
तो ये 1.18 kg है। तो सोच लीजिए इतना कॉम्पैक्ट है। दोस्तों इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं। अगर आपके डेस्क पर इतना भी स्पेस नहीं है तो आप इसे पीछे करण आते हैं वो आपका मेजन पर मिल जाएगा, वॉल माउंट करके आप बहुत सारे स्पेस बचा सकते हैं और आपके घर में एक यूनिक लुक देगा, एक अलग तरह का आपको पीसी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी बिल्कुल शेयर कीजिए दोस्तों के पास और एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की इस मैक मिनी की जय हो।